नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। आज तेरा परमानेंट इलाज करता हूं। इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट लेके क्यों बैठी हो? जब अमन आए तब कर लेना। ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत है? अरे लो, झिझक क्यों रही हो? लो। थैंक यू। देखो, शादी में थोड़ी बहुत तो घबराहट होती है, पर यकीन मानो सुबह तक सारा डर निकल जाता है। और तुम सुबह जल्दी उठने की टेंशन मत लेना, जितना मन करे उतना सोना। कोई दरवाजा खटखटाएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे तो बस इस बात की घबराहट हो रही थी कि मेरी जेठानी कैसी होगी। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, अच्छी तो हूँ, लेकिन तब तक जब तक तुम मुझे दीदी मानोगी। जिस दिन तुम खुद को देवरानी की नजर से और मुझे जेठानी की नजर से देखोगी, उस दिन तुम्हारे ऊपर जेठानी बनकर हक जमाऊंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, दूध ध्यान से पी लेना। सारे मेहमान चले गए? सब लोग चले गए, कुछ लोग बचे हैं, वो सुबह जाएंगे। लीजिए दूध पीजिए। वैसे तुम इतना बिजी कहां थे? वो मैं दिव्या के पास बैठी थी। वैसे बड़ी सुंदर लग रही हो। अच्छी तो तुम भी बहुत लग रही हो। इस लाल साड़ी में तुम भी दुल्हन से कम नहीं लग रही। पर तुम्हें ऐसे देखकर मुझे हमारी स्वागरात याद आ गई। तुम्हें मालूम है कि जब तुम पहली बार आई थी तो ऐसे ही शर्माई थी। हाँ रमेश, आ रहा हूँ, डोंट वरी, जल्दी आ रहा हूँ। ओके भैया, आपकी चाय। रख दो दिव्या। आपका नाश्ता लगा दूँ? नहीं दिव्या, नाश्ता मत लगाओ, मुझे जल्दी निकलना है, मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो। ठीक है दिव्या। जी भैया। सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, कोई टेंशन है? अमन तुम्हें खुश तो रख रहा है ना? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बताना। जी संतोष भाई साहब। हाँ मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? कौन, राहुल? हाँ ठीक है, हाँ भेज दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया। क्या भैया, किसका फोन था? संतोष भैया का फोन था, उनका बेटा आ रहा है शहर पढ़ने के लिए, और उसको जब तक हॉस्टल का रूम ना अलॉट हो जाए तो अपने पास रख लो। मैंने बोल दिया कि भेज दो उसको,
अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता तेरी जॉब का क्या बना? वो भैया मैंने दो चार जगह इंटरव्यू तो दिया है, अब देखिए क्या होता है। भैया आपका लंच रख दो। देख अमन, मैं जानता हूं कि तू दिव्या को पसंद नहीं करता था, पर तूने शादी की, अब वो तेरी बीवी है, अब तेरा फर्ज बनता है तो उसको खुश रखे और उसका ख्याल रखे। भैया आपने शादी करने के लिए कहा, मैंने कर ली, अब ये केयर करना ख्याल रखना भैया मुझसे नहीं होगा। ये सब क्यों नहीं हो पाएगा तुझसे? करना पड़ेगा, कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं तेरा ख्याल रख रहा हूँ, तू घर पे पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता है, ना कोई काम करता है, फिर भी मैं तेरा ख्याल रख रहा हूँ ना, क्योंकि तू मेरा भाई है। इसी तरह दिव्या अब तेरी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ले, ये दो मूवी की टिकट है तेरे लिए और दिव्या के लिए, आज उसको जाके मूवी दिखा। ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख, दिव्या को शॉपिंग करवा देना, ठीक है? ठीक है भैया। चल मैं चलता हूं। चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बना दो। ये मूवी के टिकट्स हैं? नहीं ये बिल्स हैं, भैया ने पे करने के लिए दिया था। तुम जाओ चाय बनो। क्या बात है, ये क्या कर रही हो? दिव्या घर पर है? आजकल बहुत मेकअप शेकअप हो रहा है। क्या कह, मेरे नसीबे इतने अच्छे हैं कि इतनी अच्छी देवरानी मिली कि मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देती। अच्छी नहीं है वो, गवार है। जो भी है, पर मेरे लिए बहुत आराम है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। क्या? आओ बैठो बताता हूँ। ये देखो मूवी टिकट्स। मूवी? हाँ भैया ने दिया था, बोल रहे थे दिव्या के साथ चले जाना, उसे लेकर तो मैं दरवाजे तक न जाऊं, मूवी दिखाने का खाक जाऊंगा। पर सिर्फ मूवी चलेंगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, शॉपिंग भी कर लेंगे। सच्ची? सच्ची। अब तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। अमन की आंख में कुछ गिर गया था ना? हाँ। तो उसे निकाल रही थी। ओह, मैंने कुछ और ही समझ लिया था। ये आपकी चाय। हाँ। क्या समझ रही थी तुम दिव्या? कुछ नहीं दीदी, वो आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूं? हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो वही कुछ खा लेंगे, तुम अपने लिए बना लो। बाहर मूवी देखने? मूवी नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अकेले जाने से अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अमन को बोला मेरे साथ चलो। क्या हो गया दीदी आपको? कितना सवाल पूछती हो तुम, हैं? और ये क्या चाय बनाई है, कितनी चीनी डालते हैं? ये लो दोबारा बना के लो। क्या हुआ, जाओ ना। हाँ लाती हूँ। सवार तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मूवी देखने चलेंगे।
नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और विकास भैया और दीदी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और अमन, अमन तो रखता है ना तुम्हारा ख्याल। हाँ हाँ पापा, वो पापा लगता है कोई आया है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नमस्ते चाची। हाय लागू। अमन चाचा, चाचा, अमन चाचा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम और कौन हो तुम? हम राहुल। आपकी शादी में सबसे ज्यादा डांस हमने ही किया था, और फिर वो जयमाला के टाइम पर अमन चाचा को भी हमने तो उठाया था ऊपर। कुछ याद आया? लगता है भूल गई हैं आप। चाची ये क्या है, आपके हाथों की तो मेहंदी भी छूट गई है, वो भी इतनी जल्दी। थोड़ा ख्याल रखो अपना, थोड़ा खाना पीना खाया करो, देखो कितनी कमजोर हो गई हो। ऐसे कैसे चलेगा चाची? राहुल तुम कब आए? बस चाची अभी अभी आ रहा हूं। यार चाची यार लगने लगी हो यार आप, लगता है पार्लर से आ रही हो। अच्छा बेटा, आते ही शैतानी शुरू कर दी। हाँ, और इतने बड़े हो गए हो कि बड़ों के पैर छूना भी भूल गए। चाची काम तो छोड़ो, तभी तो छूंगा। अब आया ना लैंड पे। नमस्ते चाचा। और कैसा है राहुल? एकदम बढ़िया। राहुल तू कब आया? अरे विकास चाचा प्रणाम, बस अभी अभी आ रहा हूँ। दिव्या, कीर्ति, नाश्ता वाश्ता तैयार करो। जी बस तैयार कर रहे हैं। आओ दिव्या। चला बैठते हम। आइए। मेरा हो गया। जी क्या है तुम्हारा रोज रोज का, इतनी जल्दी? तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। आई एम सॉरी। लो दूध पियो और अपनी एनर्जी बढ़ाओ। अमन जी सुनिए ना। क्या चिपकती रहती हो तुम, चुपचाप लेटा नहीं जाता है? बीवी हूँ आपकी और आप मुझे ही दूर करते रहते। अरे कितना टाइम हो गया हमारी शादी को और अभी तक हमारे बीच में पति पत्नी वाला संबंध नहीं हुआ। आज आप मुझे बता ही दीजिए, अगर हम आपको पसंद नहीं थे तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? बोलिए चुप क्यों हो गए? हम एक काम करते हैं, विकास भैया और कीर्ति दी से ही पूछ लेते हैं। नहीं 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 दिव्या, वो आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मेरी जॉब की कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही है, इसी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ। पर अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। आपकी जॉब की प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि बिना मतलब के तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए नहीं बताया। अब खैर तुम दूध पियो ना। पियो। एक और बात, आप दूध क्यों नहीं पीते? मुझे दूध से एलर्जी है, मैं जब भी दूध पीता हूँ तो पेट खराब हो जाता है। तुम पियो ना। पियो। अरे हाँ डार्लिंग, तुम चिंता काहे कर रही हो? अच्छा हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं।
साची हाँ? एक कप चाय मिलेगी? अरे चाची मेरी बात तो सुनिए। कि क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। बदतमीजी नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। चाची हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक की भी हद होती है, बच्चे हो बच्चे बन के रहो। सॉरी चाची, आइंदा से हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे। पर चाची हम एक सही बात बोले, बच्चा मैं नहीं आप बच्ची हो। मतलब ये कि शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, जब देखो तब अमन चाचा बड़ी चाची के रूम में रहते हैं। कभी सोचा है आपने दोनों इतनी देर तक रूम में करते क्या रहते हैं? मुझे तो लगता है कि बकवास बंद करो। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम हर किसी को अपने जैसा समझते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ नहीं होता है। संस्कार और तहजीब नाम की कोई चीज होती है जो इस घर में हर किसी के पास है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा इससे कोसों तक लेना देना नहीं है। और हाँ, मुझे अपने अमन पर पूरा भरोसा है, समझे तुम? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ दिव्या, तुम इस पे चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना दीदी, आपके और अमन जी के बारे में कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। इसको समझा लीजिए वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल क्या बकवास कर रहा था? चाची हमने किसी को कुछ नहीं बोला है। सुन, अगर यहाँ रहना है ना तो अपनी आँख कान और मुंह बंद रख और अपने काम से काम रख, वरना तेरा वो हशर करूंगी कि तू इस घर में तो क्या इस शहर में भी नजर नहीं आएगा, समझा? यहाँ क्या कर रहा है? आपने ही कहा था ना कि अपनी आंख कान नाक मुंह सब बंद रखना। वो तो मैं कर लूंगा, मगर इस वीडियो का क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूं विकास चाचा को दिखा दूं। क्या चाहता है? अब मैं ना अपनी आंख कान तो बंद कर लूंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने हाथों की आजादी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ छूना और महसूस करना चाहता हूँ। कल का लौंडा मुझे ब्लैकमेल करेगा? जानता नहीं मैं क्या चीज हूं। वैसे तू ये जो दिव्या को बार बार छेड़ता रहता है ना, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। तेरे बाप को दिखा दूं ना, तेरा बाप तुझे यहां से मारते हुए गांव ले जाएगा। बोल, करूं तेरे बाप को फोन? नहीं, सॉरी चाची, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द कर रहा है। हम वीडियो डिलीट कर देंगे पक्का। वो तो तू करेगा, लेकिन उससे पहले जो तूने किया है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मुझसे गलती होगी चाची, मुझे माफ कर दीजिए। घूम जा। हाँ? घूम जा। यार क्या कर रही है तू? मुझे पसंद आ गया इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ।
दीदी आपकी चाय। हाँ यही रख दे। सॉरी दीदी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? तेरा पैर जला दिया। सॉरी दीदी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। नहीं चाहिए तेरी चाय, निकल जाए यहाँ से। लगता है ज्यादा जल गया, मैं बर्फ लेके आता हूँ। क्या हो रहा है? पैर पे चाय गिर गई, इसीलिए बर्फ लगा रहा था। अभी ठीक है, लाइए ना। राहुल, तेरे हॉस्टल का क्या हुआ? अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया। वो विकास चाचा कुछ दिन और जाएंगे। बस का राहुल, तुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? हाँ, तेरा रूम 3 दिन पहले ही अलॉट हो गया था और तू यहाँ पे पड़ा है और झूठ भी बोल रहा है, क्यों? वो चाचा जी, वो मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। अपना सामान पैक करो, यहां से निकल, चल। जी। अच्छा तो ये खेल चल रहा है तुम दोनों का। दिव्या, तुम जाग रही हो? हाँ, वो मैंने आज दूध नहीं पिया ना, जिसमें तुम नींद की गोली मिलाते हो। क्या हुआ? इतनी भी ना समझ नहीं हूं मैं कि ये ना समझ सकूं कि हर रात मुझे जल्दी नींद क्यों आ जाती है। मुझे लगा कि ये इनकी चाल है, लेकिन दीदी आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप दोनों इतने घटिया होंगे। देखो दिव्या, मेरी बात सुनो। मैं ये सुन लिया, क्या कहा था आपने कि आप जॉब की वजह से टेंशन में हैं, इसलिए मुझसे दूर रहते। लेकिन मुझे तो आज समझ में आ रहा है कि आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं। और दीदी आप चली थी मेरी बड़ी बहन बनने, लेकिन बन गई सौतन। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम विकास भैया के बारे में तो सोच लिया होता। विकास भैया, एक मिनट, मैं अभी विकास भैया को बुला के लाती हूँ। उनको भी तो पता चले कि आप दोनों उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। देखो दिव्या, मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दिव्या, तुम ये बात प्लीज विकास को मत बताना। तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ बस इस बार माफ कर दो, फिर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो दिव्या प्लीज मान जाओ ना। दिव्या प्लीज, एक गलती माफ कर दो हमारी, ठीक है? लेकिन हाँ, आज के बाद आप दोनों अगर बात करते हुए दिख गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये लीजिए आपका टिफिन। नहीं चाहिए। सुनिए तो, क्या हुआ है आपको? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी टिफिन लेने से भी मना कर रहे हो। सुनिए ना, अरे टिफिन तो ले जाइए। अमन, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। अरे क्या हुआ? भूल गए कल रात को क्या हुआ था? अगर दिव्या ने देख लिया तो नाटक शुरू कर देगी। यार मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अमन,
कल को तुम्हारे भैया को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम दोनों हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर दे। क्या? रिश्ता खत्म कर दे? अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बोलो मत भाभी, आप ही के कहने पर मैंने दिव्या से शादी की थी। आप ही ने कहा था ना, क्यों गांव की सीधी सादी लड़की है, हम जैसा चलाएंगे वैसा चलेगी, पर हमारे प्यार के बीच में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाभी, वो हमारे प्यार के बीच में आ रही है। आप ही का प्लान था ना, जैसे हम भैया के दूध में नींद की गोली मिलाते थे वैसे हम उसको भी नींद की गोली मिला के सुला देंगे। लेकिन आपने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं निकली, वो इतनी भी सीधी सादी नहीं है। लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको खत्म कर दूंगा, ताकि वो हमारे प्यार के बीच में बिल्कुल ना आए। क्या करोगे तुम? जान से मार दूंगा उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ भाभी। क्यों नहीं समझ रही हो? पागल हो गया हूँ मैं। वाह वाह, नहीं सुधरोगे ना तुम लोग। मैंने कल ही मना किया था कि तुम लोग बात करते हुए भी मत दिख जाना। चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए तुम दोनों को। बहुत सुन ली तेरी बकवास, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। चल तुझे तो मैं बताता हूँ, निकल मेरे घर से। नहीं अमन, नहीं अमन, नहीं अमन जी, नहीं। आज से मेरे इस घर में और मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। अमन जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम कहाँ जाएंगे? अमन जी, दीदी दीदी प्लीज खोलिए। ये क्या किया तुमने? तुम्हें उसे घर से निकालना नहीं चाहिए था। क्या? क्यों नहीं निकालना चाहिए था? जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैं उसे मारूंगा तो जरूर, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ मारता तो पुलिस का सीधा शक मुझ पर जाता है ना, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब वो अपने बाप के घर जाएगी और रात को मैं उसे किसी भी बहाने से बाहर बुला लूंगा और उसे मार कर उसकी बॉडी ठिकाने लगा दूंगा। और हम लोग ये अफवाह उड़ा देंगे कि उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ था और दिव्या उसी के साथ भाग गई। इस तरह से फिर हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। तो पागल हो गई हो अमन? हाँ, पागल तो हो ही गया हूँ, तुम्हारे प्यार में भाभी, तुम्हारे प्यार में। और अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? फिर मैं उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन हमारे प्यार के बीच में कोई आए इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं भाभी। दिव्या, दिव्या एक गिलास पानी लाओ। अरे आप आ गए, लाइए बैग मुझे दीजिए। दिव्या कहाँ है? जी वो दिव्या को मैंने घर से निकाल दिया। क्या? क्या बकवास कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को घर से बाहर निकालने की? हाँ, तुझे क्या लगा कि तू दिव्या को घर से बाहर निकाल देगा और मैं तुझे इस घर में रहने दूंगा? बहुत बड़ी गलत फहमी है तेरी। या तो दिव्या को घर वापस लेके आ, नहीं तो तू भी इस घर से निकल। चल निकल, निकल यहां से। ये बहुत बदतमीजी हो गई आपकी, अब मैं आपकी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर रही बात दिव्या की, तो दिव्या को इस घर में वापस मैं लेकर कभी नहीं आऊंगा। पर ये क्या बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देते रहते हो? ये घर हमारा खानदानी घर है और जितना हक आपका है ना उतना ही हक मेरा भी है। तो दोबारा ये बेफिजूल की धमकी मुझे मत दीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुमार, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, मैंने इनके फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर दिया, बस वो आती होंगी। और इनकी फैमिली आती है, बॉडी को शिनाख्त कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अमन, अमन! 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 उठो, अमन उठो! पापा, पापा, अमन! 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 क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अमन!
हमें नहीं क्या हो गया पर हमें नहीं क्या हो गया पर बंद कर अपना ये नाटक। अब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मिल गया चैन तुम्हें, हाँ? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। ये क्या बकवास कर रही हो दिव्या, पागल हो गई हो क्या? चुप करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारे ये नाटक। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपके पति की मौत इनकी वजह से हुई? साहब, ये मेरी जेठानी है, इनका और मेरे पति का दोनों का नाजायज संबंध था, और जब मुझे इनकी करतूतों के बारे में पता चल गया और मैंने ऐतराज जताया तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या झूठ बोले जा रही है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ सच क्या है। जब से अमन की शादी इससे हुई थी, अमन परेशान रहने लग गया था। इसको रोज किसी न किसी से छुप छुप के बातें करते हुए देखा था अमन ने। ये बात अमन ने मुझे बताई थी। अमन को इसके चरित्र पे शक था, इसलिए अमन ने इसको घर से निकाल दिया था, और ये उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बकवास बंद करो तुम। ऑगिन कहेंगी, साहब साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है। आप लोग शांत रहिए, क्या सच है क्या झूठ है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। कुमार यहां आ। कुमार, मुझे इन सब की पूरी डिटेल चाहिए। आस पड़ोस में सबसे पता करो, सबकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, CDR निकलवाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। ओके सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है आपकी बीवी और अमन के रिश्ते के बारे में। तहकीकात से हमें ये पता चला है कि दिव्या जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। इनका अफेयर चल रहा था, और हमें शक है अमन के कत्ल में इनका हाथ है। नहीं सर, मैंने अमन को नहीं मारा। ये बात सच है कि मेरे और अमन के बीच में नाजायज संबंध थे, लेकिन मैंने अमन को नहीं मारा सर। वो तो खुद दिव्या को मारना चाहता था, उसने दिव्या को मारने की प्लानिंग की थी। कल वो उसे ही मारने के लिए घर से निकला था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे लगता है दिव्या ने ही अमन को मारा होगा। वो तो हम पता कर लेंगे किसने किसको मारा है। जब तक अमन का कातिल नहीं मिल जाता तब तक तुम पुलिस हिरासत में ही रहोगे। लेके चलो इन्हें। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने अमन को नहीं मारा सर। सर मेरी बात तो सुनिए। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर विकास, पहले दिन से देख रहा हूँ तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे। अभी भी वक्त है, जो कुछ कहना चाहते हो ना कह दो, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से कुछ उगलवाना चाहा ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। वो तो हम पता कर लेंगे। कुमार, इस आदमी पे ना 24 घंटे नजर रखना। और अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ, और ATM का CCTV फुटेज का? सर शाम तक आ जाएगा। आप लोग? दिव्या तुम? भैया कुछ सामान लेना था मुझे। ले लो। आपको तो दिव्या ने उस दिन बता दिया था। हाँ बताया था। कहीं आपने मेरे मेरे भाई को? विकास तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे मुझे तो लगता है अमन को तुमने ही मारा है, क्योंकि जब तुम्हें मालूम हुआ कि कीर्ति और अमन के बीच में रिश्ता है तो तुमने गुस्से में उसे मार दिया। भाई था वो मेरा। हाँ तो तुम्हारा भाई था तो मेरा भी दामाद था, मेरी बेटी का सुहाग था। और ये घटिया काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तुम कर सकते हो। पापा पापा आप चलिए यहाँ से, आप कुछ मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब आप? हमें पता चल चुका है कि कातिल कौन है। कौन है, कौन है इंस्पेक्टर साहब?
क्यों मारा था तूने अमन को? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को नहीं मारा है। तुमने ही मारा है उसको, सबूत है हमारे पास। कुमार ये वही चाकू है ना जिससे तूने उसका मर्डर किया? जिस जगह तूने मर्डर किया ना उसके पास एक एटीएम है, उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मर्डर करने के पास तू यही चाकू लेके जा रहा था। हैं? यही फुटेज देख के हम तेरे हॉस्टल गए थे, वहां तेरे रूम की हमने पूरी तलाशी ली, वहीं से हमें ये चाकू मिला। अब बता बता क्यों मारा था? क्योंकि अगर हम नहीं मारते ना तो वो हमें मार देते। इंस्पेक्टर साहब उनके ऊपर खून सवार हो गया था। लेकिन अमन तुम्हें क्यों मारना चाहता था? कीर्ति चाची की वजह से। दरअसल मेरे और कीर्ति चाची के नाजायज संबंध बन गए थे, जो अमन चाचा बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर तभी से अमन चाचा मुझसे चिढ़ने लगे। अमन चाचा ने हॉस्टल रूम की बात विकास चाचा को बताई थी, जिसके बाद इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। राहुल बेटा इस बार तो तुझे सिर्फ घर से निकलवाया है, अगली बार कीर्ति भाभी के आसपास भी दिखा ना, तेरी जान ले लूंगा। पर अमन चाचा मैंने किया क्या? भोला बन रहा मेरे सामने है? बेटा मुझे सब पता है कि तेरा और भाभी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा ही है ना तो कीर्ति चाची पर गुस्सा करना चाहिए। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उनके साथ, जो हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो तो मुझे पता ही है, इसीलिए तो मैंने भाभी के सामने गुस्सा नहीं किया। लेकिन अब तेरा खेल खत्म है बेटा, निकल ले यहाँ से। चल निकल। अमन चाचू देखो मैं बोल रहा हूँ ना, निकल निकल यहाँ से चल। मैं कीर्ति चाची से मिलना चाहता था पर अमन चाचा ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, उल्टा मुझे ही बहुत मारा। मना किया था ना यहाँ आने के लिए। पर कीर्ति चाची मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। और फिर उस रात मैं चाची से चुपके मिलने आया। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस घर के आसपास मत भटकना। रुक, पहले तेरा ही खेल खत्म करना पड़ेगा। नहीं अमन चाचा, सॉरी अमन चाचा। रुक राहुल, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अमन चाचा। मना किया था ना तुझे चाचा, माफ कर दो। कि मेरी कीर्ति से दूर रहना, अब से ऐसा नहीं होगा। आज तेरा परमानेंट इलाज करता हूं। नहीं 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 जा। मेरे को मारेगा तू? हाँ मेरे को। मैं सीधा अपने रूम की तरफ भाग दौड़ा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर साहब, पर अगर मैं उन्हें नहीं मारता ना तो वो मुझे मार देते। कुमार लेके चलो इन्हें।
जब एक नापाक सोच गति लेती है तो सबसे पहले विवेक को मारती है और फिर उस सोच को साकार करने की मंशा ले जाती है अनैतिकता के रास्ते पर, जहां पहुंचकर मन का घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ लगाता है और अच्छे बुरे का फर्क भूलकर कई गलतियां करता है और फिर धीरे धीरे ये गलती करना मन का संस्कार बन जाता है और फिर एक दिन यही मन का घोड़ा अपराध के ऐसे दलदल में घुस जाता है जहाँ सिर्फ मायूसी, मौत और बर्बादी ही मिलती है, जैसा कि अमन, कीर्ति और राहुल के साथ हुआ, जिनकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। एक और कीर्ति जैसी अवगुणी और असंस्कारी औरतें हैं जिनको समाज एक धब्बे की नजर से देखता है, वहीं दूसरी ओर दिव्या जैसी गुणी, संस्कारी और सभ्य औरतें भी हैं जिन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है। याद रखिए, काम और क्रोध अपना साथ कभी नहीं छोड़ते, पर हाँ, आपका साथ सबसे छुड़वा जरूर देते हैं। इसलिए दूर रहें इन अवगुणों से और खुश रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।